कि आपके बच्चे को अगर स्कूल से निकाल देंगे तो ये दादागिरी हम नहीं चलाने देंगे। किसी भी हालत में एक भी बच्चा कौन से भी स्कूल से फ्री के बगैर निकाला नहीं जाएगा। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, ये जो भाषण आपने सुना है ये कोई चुनावी भाषण नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की शिकायतें शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक तक पहुंची है जिन्हें स्कूल के तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, स्कूल के तरफ से उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो अपने बच्चों की स्कूल फीस भरे, डोनेशन भरे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके बच्चों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, उन्हें स्कूल से निकाला जाएगा। इस तरह की जब शिकायतें प्रताप सरनाइक को मिली तो उन्होंने इस संदर्भ में जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे बातचीत की है, उनसे पत्र व्यवहार भी किया है, लेकिन साथ में ही उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के जो स्कूल के जो मालिक है या जो ट्रस्टी है उन्हें और किस तरह से चेतावनी दी है, किस तरह से शिवसेना स्टाइल में उन्हें सबक सिखाने की बात कही है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन उसके पहले जो दूसरी बड़ी खबर है मैं वो बता दूं कि मीरा भाईंदर शहर में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है उसके चलते शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने सोमवार से मीरा भाईंदर शहर के और ठाणा शहर के हर घर में, जो यहाँ पर लाखों की तादाद में है दोनों मिलाकर ठाणा शहर और मीरा भाईंदर शहर, उनके हर घरों में आर्सेनिक 30 जो आयुष मंत्रालय ने हर कोरोना के मरीजों को वो खाने की सलाह दी है, उन्हें इस्तेमाल करने की सलाह दी है, उस गोली को, उस टैबलेट को अब ये घर घर पहुंचाने वाले हैं। शिवसेना हर घर में उस टैबलेट को पहुंचाएगी। आइए पहले जानते हैं कि क्या कहना है और किस तरह से इंतज़ाम किया जा रहा है वो टैबलेट्स पहुंचाने का लोगों के घरों में, फिर उसके बाद में स्कूल से संबंधित जो बयान दिया है प्रताप सर ने कि वो भी हम आपको दिखाते हैं। आर्सेनिक 30 ये जो गोली है वो गोलियों का ऑफर हमारे जो राज्य केंद्र शासन के आयुर्वेद मंत्रालय है उन्होंने घोषित किया कि आर्सेनिक 30 नाम की ये जो गोली है वो गोली हर महाराष्ट्र के सब दुकानों पे मिलती है, वो गोली अभी मिलना कम हो गया। तो मेरे माध्यम से मैंने सोमवार से मीरा भाईंदर शहर और ठाणे शहर में ये आर्सेनिक 30 की गोली 60 गोलियों का एक जो बॉटल है वो मीरा भाईंदर और ठाणे शहर के हर घर में देने की मैंने ख्वाहिश रखी, और उस माध्यम से हमारे जिस तरह से शाखा तिथे भोजन की हमारी संकल्पना थी, शाखा तिथे आर्सेनिक गोया ये हम संकल्पना रख रहे हैं, और मीरा भाईंदर शहर में और ठाणे शहर में पूरे की पूरी घरों घरों में हम वो आर्सेनिक गोलियां मुफ्त में बांटेंगे, ताकि ये आर्सेनिक गोली को कोरोना के ऊपर इलाज नहीं है मगर कोरोना को बचने के लिए ये बहुत बड़ा इलाज आरोग्य मंत्रालय के माध्यम से माना जाता है, और उस गोलियों का गोलियां हम लोग मंडे से सोमवार से बांट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि घर घर में अगर ये प्रतिकार शक्ति कम बढ़ने की ये जो गोली अगर दे देंगे हम लोगों को तो निश्चित रूप से मीरा भाईंदर में ये जो कोरोना की महामारी बड़े पैमाने पर वो कम होने के लिए मदद हो जाएगी। और सोमवार से हर शाखा में हमारे पदाधिकारी शिवसेना पदाधिकारी या नगर सेवक के पास अगर वो गोली आप मांगेंगे तो उनके पास वो उपलब्ध हो जाएगी। एक पैकेट जो बॉटल है उसमें 60 गोली रहेगी, दिन में 3 गोली, ऐसे 3 गोली एक आदमी को लेना चाहिए, ऐसे 5 आदमी के लिए हम वो गोलियों का पैकेट उपलब्ध करके दे रहे हैं, और किसी भी हालत में 1 रुपये भी उसका देने की जरूरत नहीं है। शिवसेना के माध्यम से हम ये फ्री पोस्ट बांट रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा सर ये गोली देने का सिलसिला? जब तक मीरा भाईंदर की जनता को आर्सेनिक 30 गोली चाहिए तब तक हम ये देते रहेंगे। हमने अगर 30,000 लोगों को रोज का खाना दे दिया तो हर घर घर में गोली और देने का प्रयास करेंगे, ताकि उसकी वजह से मीरा भाईंदर शहर और ठाणे शहर से कोरोना हद पार हो जाए। मैं जानता हूँ कि कोरोना के ऊपर इलाज नहीं है मगर प्रतिकार शक्ति बढ़ाना भी बहुत जरूरी है, तो उस माध्यम से ये गोलियां हम फ्री में बांट रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि जो स्कूलें जबरदस्ती पेरेंट्स लोगों को दबाव बनाकर उनके बच्चों की स्कूलों की फीस मांग रही है उनको लेकर क्या बयान दिया है प्रताप सरनाइक ने, और शिवसेना किस तरह से अब उन स्कूल के खिलाफ में मोर्चा खोलेगी, आइए देखते हैं पूरी बात। महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ जी को मैंने आज एक खत दिया, सुबह उनसे बात कर दिया। जो लोग दो दो तीन तीन महीने से जिनको पगार नहीं मिला, जो काम पे नहीं जा पाए, जिनके छोटे छोटे व्यापारी जो 30-40 हज़ार महीने का कमाते हैं उनके ऊपर उनका परिवार रहता है, माँ पिताजी रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, बच्चे रहते हैं, पत्नी रहती है, वो 8-10 जन का परिवार रहता है, और हर फैमिली में करीबन 2 बच्चे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। आज अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में CBSE और ICSE में
50,000 से लेके 1,00,000 रुपए की फीस रहती है। पिछले कई दिनों से मुझे पेरेंट्स की कंप्लेंट आ रही है कि हमें फीस के लिए 35,000 फीस जो है ये टर्म की आप भरो नहीं तो आपके बच्चे को जो हम एजुकेशन का जो सिस्टम हम लोग ने चालू कर दिया जो लाइव टेलीकास्ट करके वो लोग एजुकेशन सिस्टम नहीं पद्धति से अवलंब कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो नहीं आपके बच्चे को अलाउ नहीं करेंगे, या अगर आपने फीस नहीं भरी तो आपके बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। ये जो अवहेलना पालक लोगों की जो स्कूल चालक कर रहे हैं उसके खिलाफ शिवसेना ने आंदोलन का पवित्र ले लिया है। हमने आज लेटर लिखा है शिक्षण मंत्री जी से, उनसे बात भी किया है, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है ऐसा मुझे कहा है, और निश्चित रूप से उनके माध्यम से न्याय मिलेगा। हमारा यही कहना है कि जो भी ये टर्म है, क्योंकि 3 महीने तो बच्चे स्कूल में गए ही नहीं, उसका या वो 3 महीने से कोई शिक्षक वर्ग भी स्कूल में गया नहीं और उनका पगार भी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने दिया नहीं है पूरा अभी तक, तो 3 महीना तो छोड़ो मगर आगे के 3 महीने भी वही तकलीफ होने वाले हैं। तो ये 6 महीने का जो टर्म फी है वो किसी भी हालत में कौन से भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने नहीं लेना चाहिए, और 6 महीने का फी लोगों को माफ करना चाहिए, बच्चों को माफ करना चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। और इस माध्यम से हम हर स्कूल में हमारे पदाधिकारी मिलके निवेदन देने वाले, अगर निवेदन से वो लोग सुनेंगे तो ठीक है, क्योंकि हमने ये भी उसमें कहा है कि जो पेरेंट्स भर सकते हैं, इनके पास कैपेसिटी रहती है, बहुत सारे पैसे उनके पास रहते हैं, बच्चों की फीस वो भर सकते हैं, उनके पास से जरूर ले लीजिए, क्योंकि स्कूल भी चलाना बहुत बड़ी बात है। तो जो पेरेंट्स नहीं भर सकते उनके लिए 6 महीने की पूरी फीस माफ कर देनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। सोमवार से हमसे पदाधिकारी हर स्कूल में जाके उनको निवेदन देंगे, निवेदन के माध्यम से अगर वो सुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो शिवसेना के माध्यम से प्रताप सरनाईक हर स्कूल में जाके आंदोलन करेगा, ऐसी मेरी भूमिका है। और ये 6 महीना हम पूरे के पूरे पालक लोगों के साथ में रहेंगे, हमारे बच्चों के साथ में रहेंगे, और हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं कि हमें आप किसी भी तरह से जो हमने मांग की वो मांग पूरी कर दीजिए, नहीं तो आंदोलन के लिए हम लोग तैयार। सरनाईक साहब, यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट का ये कहना है कि वो अगर बच्चों की फीस ले रहे तो उनको उनका स्टाफ का खर्चा निकालना है, उनके टीचर का खर्चा निकालना है। यही कहना मैंने एग्जांपल दिया कि 3 महीने से तो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, और 3 महीने मुझे नहीं लगता है कि स्कूल चालू होने की कोई शंका है। किसी भी मैनेजमेंट ने मुझे ऐसा नहीं कहा है कि हमने 100% हमारे जो शिक्षक वर्ग है उनको फीस दिया है और उनका सैलरी दिया है। पूरा का पूरा सैलरी अगर आपने शिक्षकों को नहीं दिया, आगे भी 3 महीने अगर नहीं देने वाले हैं, और कितने सालों से आप इस जूनियर केजी से लेकर 10वीं तक इस बच्चों के पालकों से अगर इतनी फीस वसूल कर रहे हैं, तो अगर 6 महीने के लिए इस महामारी के वक्त अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने थोड़ी सी अगर मदद कर दी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं भी एक स्कूल इंस्टीट्यूशन का मालिक हूँ, मुझे भी पता है कि कुछ इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। राज्य शासन ने परिपत्रक निकलना चाहिए और स्कूल एजुकेशन ने मानवता के दृष्टिकोण से इन सभी पालकों को मदद करना चाहिए। मगर मैंने ये भी कहा है ना कि जो पालक भर सकते हैं उनसे ले लो, मगर जो नहीं भर सकते हैं, 15 जून की अगर आप डेडलाइन दोगे और बोलोगे अगर 15 जून के अंदर आपने नहीं भरा तो आपके बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन हम देंगे नहीं, या आपके बच्चे को अगर स्कूल से निकाल देंगे तो ये दादागिरी हम नहीं चलाने देंगे। किसी भी हालत में एक भी बच्चा कौन से भी स्कूल से फी के बगैर निकाला नहीं जाएगा। विधायक प्रताप सरनाईक ने जिस तरह से ये दोनों मुद्दे जो मीरा भाईंदर शहर के हर आम आदमी से जुड़ा हुआ है उन मुद्दों पर काम करने की जो बात की है, जो निश्चय किया है, उसके चलते मीरा भाईंदर शहरवासी उन पर ज़रूर फख्र करेंगे, ज़रूर उन पर नाज करेंगे कि हमारा लोक प्रतिनिधि उनके इन प्रश्नों के बारे में इतना सोचता है, इतना करता है। इन दोनों मुद्दों को लेकर मीरा भाईंदर शहरवासियों में राहत ज़रूर आएगी, उन्हें इन परेशानियों से ज़रूर छुटकारा मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और साथ में विधायक प्रताप सरनाईक ने जो कहा है उनके कहने पर वो खरा उतरेंगे, उस पर वो अमल करेंगे, ये भी हम उनसे अपेक्षा रखते हैं। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड, मीरा भाईंदर, धन्यवाद।